असम हुकूमत मुर्दाबाद मुर्दाबाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन कर रही है। हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, यहाँ से मेरी बात कर। मिला टाइम्स में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जंतर मंतर पर, जहाँ पर असम में जो घटना हुई उस घटना के खिलाफ PFI ने एक विरोध प्रदर्शन किया और ये लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मुख्य मांगें क्या हैं। हमारे साथ PFI के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं दिल्ली के। ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन किए असम सरकार के खिलाफ, आपकी मुख्य मांगें क्या हैं? देखिए, हमारी जो आज प्रोटेस्ट करने की वजह है वो सिर्फ यही है कि असम के अंदर जो 800 मजलूमों को हटाया गया और उन पर गोली चलाई गई, उन पर गोली चलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी मांग। तो अगर जैसे कि आपकी मुख्य मांगे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा, क्या करेंगे आप? जो हमारे मुल्क का आइन हमको हकूक देता है उस हकूक का हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जहाँ भी कुछ ऐसा होता है कि उत्तर प्रदेश में कोई घटना होगी, आपका लिंक आ जाता है कि PFI वाले ऐसा कर रहे हैं, दंगा भड़का रहे हैं। अब असम के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया कि PFI एक ऐसी जमात है जो यहाँ पर लोगों को भड़काने का काम कर रही है। यूपी हो, असम हो या कर्नाटका हो, यहाँ की जो BJP हुकूमत है, असल में वो BJP के RSS के ज़रिए चलाई जाने वाली हुकूमतें हैं। तो RSS अपने जो एजेंडे हैं, जो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात उनको पूरा करने के लिए कामयाब नहीं हो पाए, जो CM वही CM क्या है, हमारे खिलाफ झूठे प्रोपेगेंडे करते हैं। असल में ये एक आइडियोलॉजी की लड़ाई है, फासिस्ट की लड़ाई है ये। फासिस्ट लोग नहीं चाहते कि जो हक की बात करने वाले लोग हैं वो आगे आएं। जब भी कोई हक की बात करने के लिए आगे आता है तो पूरा ऐसा प्रोपेगेंडा चला करके, वो सिर्फ हमारे खिलाफ नहीं, वो तमाम लोगों के खिलाफ जो भी हक की बात बुलंद करता है आवाज़ को, उसको दबाने के लिए कोशिश करते हैं। अभी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उनके खिलाफ में फासिस्ट के खिलाफ लड़ रहा है, इसलिए उसके खिलाफ एक झूठे प्रोपेगेंडे चला रहे हैं और वो अपने इन झूठे प्रोपेगेंडों में कामयाब होने वाले नहीं हैं। तो क्या आपका कोई डेलीगेशन गया अभी तक, मिला उन परिवारों से या पुलिस डिपार्टमेंट? देखिए, वहाँ हमारे जो स्टेट के लोग हैं वो वहाँ जा करके उनसे मुलाकात करेंगे, अपना करेंगे, वहाँ के लोग अपना काम करेंगे और उसके लिए एक अलग हमारा करेंगे। अच्छा, लेकिन जो लोकल पार्टी वहाँ के मौलाना बदुद्दीन अजमल हैं वो नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों ने भी यहाँ आवाज़ उठाई कि उनको आना चाहिए, निकलना चाहिए, जाके मिलना चाहिए, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अजमल साहब एक बड़े पॉलिटिशियन हैं और वहाँ की एक बड़ी पार्टी भी है और अवाम ने ही उनको वोट देकर के क्या है पार्लियामेंट तक पहुंचाया है। ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ के CM से, वहाँ की हुकूमत से, इवन कि पार्लियामेंट के अंदर भी वो इस आवाज़ को बुलंद करें कि जिन लोगों ने ये काम किया उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई करें। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, वो किस वजह से नहीं कर पा रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आता। ये तो मौलाना साहब ही बता पाएंगे क्या है, क्योंकि आज हुकूमत ने ऐसा लोगों के अंदर खौफ बिठा दिया है कि आप हक की बात कह ही नहीं सकते हैं। अब अगर हक की बात कहेंगे तो आपके पीछे ED लग जाएगा, आपके पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाएगा, आपके पीछे क्या स्पेशल सेल लग जाएगा, आपके पीछे NIA लगा दिया जाएगा। मतलब कि हर वो एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए जो एजेंसियां थी उनको क्या है, अपने पॉलिटिकली जो लीडरान हैं या जो पॉलिटिकली आपके एनिमीज उनके खिलाफ उनका इस्तेमाल कर, वो मे भी शायद ऐसा उनका डर हो। लेकिन इस बारे में अगर बेहतर कि मौलाना खुद इस बारे में अपना बात करें तो बेहतर होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे इस PFI के जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश के, जिन्होंने कहा कि हम लगातार उन लोगों की आवाज़ बनेंगे जिनको असम में मारा गया है, जिनका घर तोड़ा गया है। और बता रहे हैं कि हमारी वहाँ की जो लोकल टीम है वहाँ पर जाके लोगों से मिल भी रही है और सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उन लोगों को बसाने का काम किया जाए। और फिर जो लोग नहीं बोल रहे हैं, जो वहाँ की लोकल पार्टियाँ हैं उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रही, उनके हक में जो उनका घर तोड़ा गया है उनके हक में आवाज़ नहीं उठा रही है, तो उनको किस बात का डर है? क्या ED का डर है या CBI का डर है या इनकम टैक्स का डर है? तो हक बात बोलने के लिए उनको डरना नहीं चाहिए, ऐसा कि PFI के जनरल सेक्रेटरी का कहना है।